नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में और मैं हूं रमेश सिंह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम की सर्च हिस्ट्री और ब्राउजिंग डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर कुछ भी सर्च करते हैं तो सर्च आइकन पर क्लिक करके इस तरह से आपके सामने आपकी टोटल सर्च हिस्ट्री आ जाती है। आपने क्या क्या सर्च किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से इंस्टाग्राम पर जितने भी लिंक्स पर आप क्लिक करते हैं, जितने भी वेबसाइट्स पर विजिट करते हैं, उनकी कुकीज़ और कैश फाइल्स क्रिएट होती हैं और इस ब्राउजिंग डेटा को क्लियर कैसे करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम की सर्च हिस्ट्री और ब्राउजिंग डेटा को क्लियर करने के लिए बॉटम राइट कॉर्नर में आपको अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 लाइंस पर क्लिक करके सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद सेटिंग्स पेज में आप सिक्योरिटी का ये ऑप्शन देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट इंटरफेस में आपको डेटा एंड हिस्ट्री सेक्शन में एक्सेस डेटा के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने आपकी इंस्टाग्राम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो गाइज, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और अकाउंट एक्टिविटी सेक्शन में सर्च हिस्ट्री ऑप्शन को ओपन करना है। इसके बाद आपकी टोटल सर्च हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। तो गाइज, इसे डिलीट करने के लिए आपको टॉप साइड में क्लियर सर्च हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें आपको क्लियर ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी टोटल सर्च हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा सर्च हिस्ट्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप अपने इंस्टाग्राम की सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। अब ब्राउजिंग डेटा को क्लियर करने के लिए इंस्टाग्राम सेटिंग्स पेज में आपको अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और अकाउंट सेटिंग्स में आप ब्राउजर सेटिंग्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने ब्राउजिंग डेटा का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इसके सामने क्लियर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें आपको फाइनली क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप इजीली इंस्टाग्राम की सर्च हिस्ट्री और ब्राउजिंग डेटा को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।